हेलो दोस्तों, तो आज हम एक कीबोर्ड को लेकर आए हुए हैं आज इस वीडियो में। तो जो है कीबोर्ड सबका ख़राब होता है, किसी किसी बटन का वर्क नहीं करता है अच्छी तरह से। तो चलिए, ये मेरा ये जो बटन है ये वर्क नहीं कर रहा अच्छी तरह से, और इसके जगह पे एस बटन क्लिक हो जा रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से ए बटन को प्रेस करूँगा। ये बटन प्रेस कर रहा हूँ। और डिस्प्ले में दिखाता हूँ आपको कि हमारा कौन सा वर्ड प्रेस हुआ है। देखिए, तो हमारा देखिए S A S A S A S A, मतलब ए बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हमारा एस बटन ऑटोमेटिक प्रेस हो जा रहा है ना। और एस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा एस बटन सही है, लेकिन ए बटन जब प्रेस कर रहा हूँ जब ए बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा एस बटन ऑटोमेटिक प्रेस हो जा रहा है। तो चलिए, इसे मैं आज इसे भी बनाता हूँ, देख लेना। तो चलिए, सबसे पहले तो इसे कीबोर्ड को खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खोलने का। इसमें टाइम लग जाएगा खोलने में, तो इसे मैं पॉज करके सब नेटवर्क खोल लिए हैं इसका। अब इसे ओपन करते हैं। खुल जाओ, सीधे सर तरफ से मत खोलना, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ओके, तो इसे ऐसे ही खोलना पड़ेगा, हाँ इस तरह से। हाँ, और हाँ सावधानी से, क्योंकि एक बटन के चलते सब बटन गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए, मैंने देखिए इसे खोल लिए हैं। ये मेरा कीबोर्ड खुल चुका है, ओपन हो चुका है। और अब मैं इसे देखता हूँ कि हमारा कौन सा बटन प्रेस नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसे खोल दिया हूँ तब तो हमें इस पूरे कीबोर्ड का बटन सही करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका उल्टे साइड मतलब सीधे साइड से खोल लिए थे। खुलना था पीछे साइड से। हमारा जो है दो बटन ख़राब हो चुका है, तो इसे भी मैंने अब ठीक करूँगा, नहीं तो मेरे कुछ बटन वर्क करेंगे और कुछ बटन नहीं। तो चलिए, हमारा पहले देखता हूँ ए बटन कौन सा था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ये हमारा ए बटन है, ए बटन एस बटन है। तो चलिए, यहाँ पे डस्ट लग रहा है, कुछ डस्ट के कारण हो जाता है इससे। चलिए, इसे मैं साफ कर लेता हूँ। ये थ्री लेयर में है ये, और एक है हम थ्री लेयर में है, इसे भी साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक दो बटन इधर उधर हो गया, देखिए है ना, ये रबड़ बटन वाला है। तो ये दो बटन हमारा हो चुका है खराब। तो चलिए, पहले से देखिए ना, है ना, इस बटन को पहले में से उठाएंगे पूरे को। प्लास्टिक वाला है, वायर सिस्टम का कनेक्शन है ये, इसे हमें खोलना पड़ेगा। इस तरफ नहीं होगा, नहीं तो खराब हो जा रहा है। इसको एक एक करके कितना करेंगे, चलिए इसे उठा लेते हैं पहले। ये भी बटन देखिए खराब लग रहा है, खराब हो चुका है, हिल जा रहा है ना। और ये सेफ से बैठा नहीं है।
से, देखिए यहाँ से भी, तो बैठ गया, लग तो रहा बैठ गया, लेकिन फिर यहाँ डिस्टर्ब हो। तो चलिए 3 मिनट फिर से पूरा इसको हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए हो गई ना इधर उधर बटन, इसीलिए मैंने बोल रहा था कि इसे ठीक से करो। तो चलिए आज मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और कीबोर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक दो बटन के चलते आप लोग पूरा कीबोर्ड को चेंज कर देते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि यह थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पूरे कीबोर्ड को चेंज करना पड़ रहा है। तो इसी के चलते मैंने आज ये वीडियो बनाया है, और मेरे माउस का भी एक वीडियो बनाया था, इससे बटन ख़राब हो जाने से पूरा माउस को आप लोग फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं होता। तो आपको भी इस वीडियो में मिल जाएगा वो। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताता हूँ। देखिए रबर सब मेरे सही कंप्लीट सब बैठ गया है। देखिए आपको दिखाता हूँ, पहले से सही से बैठा लीजिए सब बटन का रबर को। अब ये देखिए, अब इसके पास हमको ये लगा देना अच्छे से। इसे बैठा ले, तो देखिए हमने इसे लगा दिए। तो देखिए पूरी तरह से, और यहाँ है कनेक्शन इसका, तो इसे भी लगा ले थोड़ा सा सेट करके अच्छी तरह से इसको। यही है मेन जहाँ से कनेक्शन है। तो चलिए हो गया, देख लीजिए सब फिक्स कंप्लीट। अब इससे मैं कवर को लगा लेता हूँ, आराम से इसे मैं लगा लेता हूँ नट को। टाइम लगेगा, तो हमने कुछ लगा लिए हैं नट, और देखिए अब में पावर भी आ चुका है। अब मैं इसे देखते हैं कि हमारा ये वर्क कब करता है कि नहीं सही से। तो देखिए हमारा ये बटन था ना, ये बटन को फिर से मैंने प्रेस किया, 3 बार प्रेस करूँगा। ओके, 1 2 3। अब देखते हैं, देखिए सही है। देखिए हमारा ये कीबोर्ड बन चुका है, ये बटन सही से वर्क कर रहा है। अब एस बटन का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर मैंने एस बटन प्रेस करूँगा, 1 2 3। अब देखते हैं, देखिए एस बटन भी अब मेरा वर्क कर रहा है सही तरीके से। तो हमको ये कीबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से हमारा कीबोर्ड बन गया है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। और हाँ, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कीबोर्ड।